नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल आपको आज बहुत ही बढ़िया बहुत ही सरल प्रयोग आपको बता देता हूं। हर्रा खाने के हर्रा का नाम हरितिका है। इसको हर्रा बहेड़ा और आंवला आयुर्वेद के और नीम गिलोय, ये चार पांच चीजें ऐसी हैं जो आयुर्वेद की हर औषधि में हर दवाई में चाहे कोई सी भी हो जरूर डलती है। इसमें मैं आपको जो प्रयोग बता रहा हूं, लोग जानते तो हैं हर खाने से ऐसा होता है लाभ होता है निश्चित होता है, पर हर कब खाना चाहिए, किसके साथ खाना चाहिए, किस समय में खाना चाहिए, ये जानकारियां नहीं मिल पाती या दुर्लभ है। जो पुराने ग्रंथों में वर्णित है उसमें से मैं बता के लाया हूं, आपको दिखाता हूं, दिखा भी दूंगा चार्ट और बता भी देता हूं। आप हर छोटी लीजिए, बाल हर जो होती है पकी हुई बाल हर आप बाजार से खरीदिए, काली बाल हर नहीं लेना चाहिए, पकी हुई पीली हर बाल हर लीजिए, वो अति चमत्कारी होती है। और बाल हर को प्रयोग करने के पहले आपको जितनी भी बाल हर आप लाते हैं, जैसे मान लीजिए इस प्रयोग में आपको साल भर का प्रयोग है ये, तो कम से कम 4 किलो बाल हर लगेगी, तो आपको उसको गौमूत्र में डुबोना है। आप तो आप एक काम करिए, 1 किलो बाल हर पहले ले लीजिए या आधा किलो, जितना आपको गौमूत्र मिल सकता है आधा किलो बाल हर ले ली। बाल हर में गौमूत्र 1 अंगुल ऊपर रहना चाहिए। किसी भी गाय की बछिया का गौमूत्र ले आइए, सुबेरे उसमें डालकर डुबो दीजिए, हर से ऊपर गौमूत्र रहना चाहिए क्योंकि वो सोख लेती है, तो ऊपर की हर को फिर गौमूत्र मिलता नहीं, इसलिए 1 अंगुल ऊपर होना चाहिए हर से। शाम को आप देखेंगे वो पहले दिन पूरा गौमूत्र बाल हर ने सोख लिया, उसको शाम को रख दीजिए छाया में, रात भर में सूख जाएगी, सुबेरे आप फिर गौमूत्र ले आइए, ऐसा 7 दिन तक उसको डुबो के रखिए, 7वें दिन उसको निकाल के रख लीजिए, सूख जाने दीजिए। अब सूख गई हो तो आप उसका बढ़िया मिक्सी में पाउडर बना लीजिए, पाउडर बना के रख लीजिए। अब उस पाउडर को किस महीने में किसके साथ खाना है और उसका क्या प्रभाव है ये मैं आपको बता देता हूं। अगर आप ये साल भर करते हैं तो आप निरोगी काया हो जाए, इसको कायाकल्प भी बोलते हैं मित्रों, ये कायाकल्प औषधि है, कायाकल्प है ये पूरा। हर्रा का द्वारा शरीर का कायाकल्प कैसे होता है, ये पंचकर्म की जो पुरानी पद्धति है उसमें हर्रे का भी एक कायाकल्प है, वो मैं जो आपको बता रहा हूं बड़ा सरल बड़ा सहज और बड़ा चमत्कारी बहुत अच्छा प्रयोग है, तो इसको जरूर करिए। तो इसको ये हिंदी मास से है, तो हिंदी मास से ही इसका प्रयोग करना चाहिए, अंग्रेजी मास से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मास महीने हमारे हिंदी मास महीने वो आपके वातावरण के हिसाब से बने और ये औषधि भी वातावरण के हिसाब से खाई जाती है। तो ज्येष्ठ और अषाढ़ के महीने में हर्रा को जो हर का आपने जो चूर्ण बनाया है इसको सुबेरे 5 ग्राम और शाम को 5 ग्राम खाना है, तो 5 ग्राम गुड़ के साथ ही खाना है, सुबह भी 5 ग्राम गुड़ और शाम को 5 ग्राम गुड़, ज्येष्ठ और अषाढ़ के महीने में गुड़ के साथ खाइए। गुड़ के साथ खाने से खांसी, समस्त खांसी करो, कफ बलगम श्वास किसी भी प्रकार की खांसी उसमें लाभ होगा, पेट साफ होगा और पेट से ही समस्त बीमारी हमारे शरीर में आती है, पेट अगर साफ है तो कोई बीमारी होती नहीं। और ज्येष्ठ और अषाढ़ का एक ऐसा महीना होता है, इस माह में पेट में बहुत आव पड़ती है, तो गर्मियों के एकदम से जो पानी गिरता है उसमें हमारे पेट में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इसको हर माह के हिसाब से अलग अलग हमारे पुराने मनीषी और आयुर्वेदाचार्यों ने बड़े दिमाग से बड़े साइंटिफिक तरीके से इसको बांटा है। तो ज्येष्ठ और अषाढ़ में हर का चूर्ण गुड़ से खाइए, सावन और भादो में इसको सेंधा नमक के साथ खाना है, वही 5-5 ग्राम 5 ग्राम में 5 ग्राम सेंधा नमक बराबर मिला लीजिए खा लीजिए, शाम को फिर 5 ग्राम हर चूर्ण और सेंधा नमक मिला के खा लीजिए, इससे आंखों की ज्योति बढ़ती है, आंख से संबंधित समस्त रोग इससे कट जाते हैं, आंखें पुष्ट होती है, आपका मोतियाबिंद कभी नहीं होगा, आपको देखने की आपकी दृष्टि बढ़ेगी। कुआर और कार्तिक में इसको मिश्री के साथ खाना है, कुआर और कार्तिक के महीने में इसको मिश्री से खाना है, इससे आपके बाल के समस्त रोग जो है वो ठीक हो जाते हैं, बाल आपके काले हो जाएंगे, बाल झड़ेंगे नहीं, बाल घने हो जाएंगे, तो ये महिलाओं के लिए भी है, बहुत अच्छा प्रयोग है, इसको करिए। अगहन और पूस, पूस
ठंड पड़ती है, अगस्त और पूस ये दो माह में काफी ठंड पड़ती है, इसलिए इसको सोंठ से खाना चाहिए। अगस्त और पूस के माह में गठिया का रोग एकदम उठ जाता है, सांस और दमा का रोग उठ जाता है, लकुआ का रोग उठ जाता है। सोंठ के साथ अगर आप इसको 5 ग्राम सोंठ और 5 ग्राम ये पाउडर खाएंगे, तब ये इससे आपका शरीर पुष्ट होगा और इससे मर्दानी शक्ति आपकी बढ़ती है। इसके बाद माह और फागुन, होली का टाइम आ गया, माह और फागुन में इसको लैंडी पीपल के साथ खाना है। तो माह और फागुन में लैंडी पीपल के साथ, वही 5 ग्राम लैंडी पीपल, 5 ग्राम पाउडर, इससे बुद्धि आपकी बहुत तेज बढ़ती है, दिमाग के न्यूरॉन्स बहुत अच्छे काम करते हैं। दिमाग में किसी प्रकार की जो बीपी है या कोई ऐसी बीमारी है जो दिमाग में टेंशन रहता है, ये इसको खाने से, लैंडी पीपल बड़ी ठंडी होती है, तो आपके दिमाग में तरावट बनी रहेगी और इससे बुद्धि और याददाश्त बढ़ती है, आपकी स्मरण शक्ति का विकास बहुत होता है। इसके बाद चैत्र और बैसाख का महीना आ गया, चैत्र और बैसाख में भारी तेज गर्मी पड़ती है, तो चैत्र के और बैसाख के महीने में आप इसको शहद से लीजिए। शहद मित्रों, मैंने पहले ही बताया हमारा जो 9 तारीख से मेला, वन मेला का आयोजन है, इसमें बैतूल छिंदवाड़ा की तरफ से बहुत अच्छा कामिया का शहद आता है, ये आप जरूर ले लीजिए। लैंडी ये आप लैंडी पीपल भी वहीं से ले लीजिए, काली मिर्च चाय तो ले लीजिए, और बाल हर तो आप जरूर वहीं से लीजिए। छिंदवाड़ा बुरदई के आसपास बहुत भारी मात्रा में हरा का जंगल है, वहां से ये आएगी, बहुत अच्छी आएगी, इसको आप लेकर रख लीजिए। दिमाग इससे बढ़ेंगे और याददाश्त बढ़ेगी। ये दो प्रयोग जो माघ और फागुन और चैत्र और बैसाख के, इसको बच्चों को भी देना चाहिए, इससे इसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, धारण शक्ति बढ़ती है। एक बार पढ़ेंगे आप रटते रहते हैं, बच्चे याद नहीं होता, तो इनकी धारण शक्ति बढ़ती है, इनका इंटेलिजेंस और विवेक बढ़ता है, तो इसको माघ और फागुन और चैत्र बैसाख बच्चों को भी जरूर दीजिए। ये मैंने इसको लिख दिया है। इसको खाते जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो खटाई और तेल का प्रयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए, खटाई तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, तेल कम मात्रा में खाना चाहिए। 125 ग्राम हमको प्रतिमाह लगेगा, 125 ग्राम प्रतिमाह लगेगी, उस हिसाब से 10 ग्राम रोज अगर खाते तो 125 ग्राम एक माह में लगेगी, और 12 महीने में आपको करीब 4.5 किलो ये बाल हर लगती है। तो आप उत्ती खरीद लीजिए और धीरे धीरे बनाते जाइए, तो अगले महीने के लिए इस महीना बना लीजिए, इस महीने के लिए अगले महीने बना लीजिए, क्योंकि गौमूत्र लाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो ये मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिए और इस चार्ट को आप अपने घर पर बना लीजिए और इसी के अनुरूप आप इसको दवाई का निर्माण कर लीजिए और इसी के अनुरूप इसको खा लीजिए। इसलिए मैंने ये चार्ट मेहनत करके बना दिया है ताकि सबको ये मिले। ये मित्रों कायाकल्प औषधि है और इसको जरूर आप बनिए और खा के अपने स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए, अच्छा काम करिए, देश हित के लिए बहुत अच्छा काम है, बच्चों के लिए काम है, तो आप इसका प्रयोग जरूर करिए। इस प्रयोग के साथ एक बंदिश है थोड़ी सी, कि हमको मांस और मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मदिरा के प्रयोग से आपने जितनी भी औषधि खाई है, इमली की खटाई, मदिरा और मांस, अगर आप भारी मात्रा में इसका प्रयोग करेंगे तो इस औषधि का फिर कोई फायदा होता नहीं। इसलिए मांस मदिरा समस्त आपके जितनी भी मेहनत की है सब मिटा देती है, तो मांस मदिरा वालों के लिए ये प्रयोग है नहीं। शाकाहारी है, अगर आप मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं तो कम कर दीजिए बिल्कुल, और इस प्रयोग को करिए। मित्रों जरा वीडियो आप लोगों ने इतने प्रेम से देखा, मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ लाया है, मेरे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके प्रश्न हो मेरे चैनल पे आप कमेंट्स में दीजिए, मैं आपको जरूर उसके उत्तर दूंगा। नमस्कार।